हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें क्या ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जैसे कि आपने कहा, मेरी मम्मी बहुत अच्छी कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिशियन है, वो गाती हैं, वीणा बजाती हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी गुरु भी हैं। सो बचपन से लेके आज तक हमारे घर स्टूडेंट्स का आना जाना होता था, उनके साथ साथ मैं भी उनके पीछे पीछे गाती थी। तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि मैं 2 साल की उम्र से गुनगुनाने लगी थी। उन्होंने रेकग्नाइज़ किया कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है म्यूज़िक से, मम्मी छोटे छोटे गाने सिखाती थी और मैं गा लेती थी, लेकिन फॉर्मली ट्रेनिंग आई थिंक 5 ईयर्स ऑफ एज से शुरू किया था। मम्मी पापा बोलते हैं कि मेरा सबसे पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था चेन्नई के दूरदर्शन चैनल पर, मैंने एक डिवोशनल गाना गाया था। देखिए, म्यूज़िक तो हमेशा से ही पैशन रहा है, बट क्या हुआ कि 9th स्टैंडर्ड में बहुत मुश्किल हो रहा था सबको बैलेंस करना, म्यूज़िक एंड रियाज एंड स्टडीज़, और मम्मी पापा ने तो बहुत स्ट्रांगली बोल दिया था कि बेटा नंबर तो अच्छे आने चाहिए। आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट उनको पता था कि मैं कभी भी म्यूज़िक छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला कि प्रायोरिटाइज स्टडीज़ फर्स्ट। तो मैंने छोड़ दिया था थोड़े साल के लिए, बट आई फील लाइक उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरा करियर सेट हो गया। देखिए, ऐसा नहीं था कि मैंने म्यूज़िक को कम्प्लीटली छोड़ दिया था, बस मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग का से ब्रेक लिया, बस इट वॉज़ जस्ट अ ब्रेक फ्रॉम फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग में बहुत सारे रियाज के एक्सपेक्टेशंस होते थे कि यू नो इतने सारे घंटे प्रैक्टिस करना होता है, और दैट वॉज़ नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं फुल टाइम म्यूजिशियन बनूँ, मुझे करियर बनाना था साथ में, तो मैंने इसलिए फॉर्मल ट्रेनिंग से ब्रेक लिया था। बट ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने कभी म्यूज़िक को नहीं छोड़ा, मैं गाती थी, सुन के सीखती थी, मम्मी से सीखती थी, यू नो ऐसे इनफॉर्मली चलता रहा। सो नो रिग्रेट्स एट ऑल। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा, ओ सजना। हम कनेटिकट में रहते हैं, तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेट, बट इट्स अ मॉडरेटली एक्टिव म्यूजिक सीन कह सकते हैं। यहाँ पे एक म्यूजिकल यूनिवर्सिटी भी है जिसमें
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता भी है, कोर्स वर्क में है, तो काफ़ी एक्टिव है द म्यूज़िक सीन. काफ़ी जाने माने कलाकार आते हैं इंडिया से और यहाँ पे कॉन्सर्ट्स देते हैं और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस लोकली. रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आए. रंजिश ही सही, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आए. रंजिश ही सही. ओके, अभी मैं जगजीत सिंह जी का एक गजल पेश करना चाहूंगी. जाग के काटी सारी रैना, जाग के काटी सारी रैना, नैनों में कल ओस गिरी थी, नैनों में कल ओस गिरी थी, जाग के काटी सारी रैना, जाग के काटी सारी रैना. कोई राज नहीं है, इफ यू इंसिस्ट, वो राज है फोकस एंड हार्ड वर्क एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर वाले की कृपा. दैट्स इट. My best to stay in touch with Indian classical music यहाँ पे. तो local Indian associations को support करती हूँ. जब भी musical concerts होते हैं तो मैं try करती हूँ attend करने. I cannot attend every single one, but बहुत try तो करती हूँ. You know, जाने माने कलाकार जब आते हैं New York या Boston, वहाँ भी जाके concerts attend करने की कोशिश करती हूँ और local talent को भी बहुत support करने की try करती हूँ. तो यू नो, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे इन टच एंड सपोर्ट लोकल एक्टिविटीज़ एंड लोकल टैलेंट. मैं राग बागेश्री ट्राई करूँगी कर्नाटक एंड हिंदुस्तानी स्टाइल्स में प्रेजेंट करने के. राधिका कृष्णा राधिका, राधिका कृष्णा राधिका, तव विरहे केशवा. राधिका कृष्णा राधिका. ये था कर्नाटक. अभी हिंदुस्तानी कोशिश करूंगी. कोशिश. याद करूं ध्यान धरूं माता सरस्वती, याद करूं ध्यान धरूं माता सरस्वती, तू ही हमारी गति, तू ही माता, तू ही हमारी गति माता सरस्वती. याद करूं ध्यान धरूं माता, पिया भोलो अभिमान, पिया भोलो अभिमान, मधुरा जाए पिया.
अभिमान मधुराती बोए जाए पिया बोलो। खुशी उस दिन होती है, सबसे ज्यादा होती है, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्स एक ही दिन मिलते हैं, राइट? आई वुड लव दैट। देखिए, मेरा मानना है कि सबका अपना अपना अलग जर्नी होता है, बिकॉज सबके अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं। मेरे लिए हैविंग अ सक्सेसफुल करियर वाज उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि म्यूज़िक। तो मेरा जर्नी आई थिंक बाकी लोगों से काफ़ी अलग हुआ।